तो चलिए अब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि'स एज विल बी 4 टाइम्स एज हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज रवि'स प्रेजेंट एज? तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अब हमें ये बोला गया है कि एक रवि नाम का लड़का है जिसकी एज 15 साल बाद उसी की प्रेजेंट एज की 4 गुना हो जाएगी और हमें उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करने को बोला गया है। तो चलिए उसकी प्रेजेंट एज को हम एक्स ले लेते हैं। रवि की प्रेजेंट एज हमने एक्स ले ली है और हमें ये बोला गया है कि 15 साल बाद वो उसकी प्रेजेंट एज की 4 गुना हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि रवि की 15 साल बाद एज क्या होगी? वो हो जाएगी एक्स प्लस 15। अब हमें ये भी बोला गया है कि 15 साल बाद उसकी एज उसकी प्रेजेंट एज की 4 गुना हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि उसकी एज x प्लस 15 के साथ साथ 4x भी हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि 15 साल बाद उसकी एज के 15 साल बाद वो उसी की एज की 4 गुना हो जाएगी। तो अभी हमें फाइंड करने को क्या बोला है? अभी हमें उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करने को बोला गया है। अब इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। अब मैं LHS में ये देख सकता हूं कि यहां पर x प्लस हो रहा है तो मैं उसको RHS में लाकर माइनस में कर सकता हूं। इसका मतलब 15 इज इक्वल टू 4x माइनस x। अब 4x माइनस x होता है 3x। इसका मतलब 15 इज इक्वल टू 3x। अब मैं वेरिएबल को LHS में लिख देता हूं और जो नोन नंबर है मतलब 15 उसको मैं RHS में लिख देता हूं। अब LHS में 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो RHS में जाकर 15 को डिवाइड करेगा। इसका मतलब हो जाएगा x इज इक्वल टू 15/3। तो 3 5 होता है 15। इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 5। और हमें रवि की प्रेजेंट एज पता चल गई जो है 5 years। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अब हम x की वैल्यू इधर डाल देते हैं जो है 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 4 × 5। अब 5 प्लस 15 होता है 20 और 4 × 5 भी होता है 20। तो हमारा LHS इक्वल टू RHS हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारी कैलकुलेशन सही है।